अरे शर्मा जी आइए आइए, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। बस यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा आपके हालचाल पूछता चलूं। होप आई एम नॉट डिस्टर्बिंग यू। अरे बिल्कुल नहीं, आइए ना। और कैसे हैं आप? बस एकदम फिट पार। और कविता जी? कविता जी भी अच्छी हैं, वो अपने फ्रेंड शिल्पा के साथ मार्केट गई हुई है। शिल्पा जिसके एंगेजमेंट में हम जाने वाले थे, हाँ? उसी के साथ मार्केट गई। अच्छा। उन्होंने एक नया टीवी सेट लिया है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गई। तो जिससे आपने लिया है ना? सब किया राहुल जी, डीलर कहता है कंपनी के पास जाओ, कंपनी कहती है डीलर के पास जाओ, समझ में नहीं आता करे क्या। यहाँ तक मैंने कविता को कहा कि सरकार द्वारा जो फोरम्स होती हैं उसमें कंप्लेन करो, तब जाके कोई बात बनेगी। सही है, ऐसे सिचुएशंस में हमें पता होना चाहिए कि किधर, कब और किससे अपनी समस्या बताएं। एग्जैक्टली। देखिए इन सारी बातों में मैं तो ये भूल ही गया, आप बैठिए, क्या लेंगे, ठंडा गरम? ठंडा चलेगा। ऑरेंज जूस? ओके परफेक्ट, बैठिए। मैं कल ही आपको याद कर रहा था। कैसे? अरे मेरा एक फ्रेंड है, उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी थी, आपके बताई हुई टिप्स मैंने उसको भी समझाई। आई एम रियली थैंकफुल टू यू शर्मा जी, जो आपने हमें इतने अच्छे से सारी बातें समझाई। विवेक यही तो मेरी जिम्मेदारी है कि आप एक समझदारी भरा और सुलझा हुआ डिसीजन ले सके। लीजिए। थैंक यू। विवेक आपको पॉलिसी के डॉक्यूमेंट तो मिल गए होंगे ना? तो आपने उन्हें पढ़ा भी? अरे शर्मा जी आप ही की एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ वैसे ही था जैसे मैंने सिलेक्ट किया था। लेकिन लेकिन क्या? देखिए बुरा मत मानिएगा, जैसे कविता की फ्रेंड है, अगर उसी तरह किसी को इंश्योरेंस कंपनी से कोई प्रॉब्लम हो तो वो क्या करे? जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक फ्रेंड है, उसकी कंप्लेंट सॉल्व ही नहीं हो रही है, बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है बेचारा। अरे इंश्योरेंस पॉलिसी से रिलेटेड ग्रीवेंसेस सॉल्व करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे कि? जैसे कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अरे शर्मा जी मैं आपको कितनी बार परेशान करूंगा, आप मेरे साथ हर जगह थोड़ी चलेंगे। समझ लीजिए कि मेरा कहीं ट्रांसफर हो गया तो? आप मुझे फिर भी कॉल कर सकते हैं। या फिर SBI लाइफ के 700 से ज्यादा ब्रांचेस हैं, किसी भी ब्रांच में जाकर आप अपनी कंप्लेंट रजिस्टर करवा सकते हैं। सारे ब्रांच के एड्रेसेस आपको SBI लाइफ के वेबसाइट पर मिल जाएंगे। शर्मा जी मीटिंग्स पे मीटिंग्स, रिपोर्ट्स पे रिपोर्ट्स, ऑफिस से जब तक बाहर निकलता हूँ तब तक सारे ऑफिस बंद हो जाते हैं, कोई और तरीका नहीं है? है ना, आप कॉल कर सकते हैं SBI लाइफ के टोल फ्री नंबर पर 1800229090, या फिर सॉल्व SOLVE सॉल्व टाइप करके 56161 पर SMS कर सकते हैं। ये यूनिक सर्विस SBI लाइफ द्वारा समस्याओं का तुरंत निदान करने के लिए ही लॉन्च की गई है। वाह। यही नहीं, आप SBI लाइफ को info@sbilife.co.in पर ईमेल भी कर सकते हैं, या www.sbilife.co.in पर जाकर ग्रीवेंसेस और कंप्लेंट सेक्शन पर रजिस्टर भी करवा सकते हैं। इतने सारे ऑप्शन हैं आपके पास कंप्लेंट रजिस्टर कराने के। वाओ शर्मा जी दैट्स रियली गुड। हमेशा अपनी कंप्लेंट का एक्नॉलेजमेंट जरूर ले लें और चेक करें कि वो SBI लाइफ के ऑफिशियल द्वारा साइन भी हो। भविष्य में इससे आपको अपनी कंप्लेंट की प्रोग्रेस ट्रैक करने में मदद मिलेगी, और दूसरा इंश्योरेंस कंपनी भी आपको बेहतर रूप से असिस्ट कर सकती है। अच्छा अगर इसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाए तो? वैसे तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि SBI लाइफ के पास ग्रीवियंस सॉल्व करने के लिए डेडिकेटेड टीम है, और सारी ग्रीवियंस को वो बिना भेदभाव के पूरी सच्चाई के साथ एड्रेस करते हैं। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो रीजनल कस्टमर सर्विस डेस्क से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसकी डिटेल SBI लाइफ की वेबसाइट के कॉन्टेक्ट सेक्शन से मिल जाएगी। और अगर इसमें कंपनी की कोई गलती ना हुई तो? SBI लाइफ प्रॉब्लम के हर पहलू को देख समझ कर कंप्लेंट का कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करके उसका सॉल्यूशन देती है। और अगर फिर भी मैं रीजनल कस्टमर सर्विस डेस्क द्वारा दिए गए सॉल्यूशन से संतुष्ट नहीं हुआ तो? अगर आप फिर भी संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी समस्या को ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर यानी हेड क्लाइंट रिलेशनशिप को लिख सकते हैं। ये SBI लाइफ के ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम में सबसे उच्च स्तर पर है, और उनका कॉन्टैक्ट डिटेल आप SBI लाइफ की वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अस सेक्शन से ले सकते हैं। लगता है आ गई। प्रॉब्लम सॉल्व? वो तो सॉल्व होना ही था। शर्मा जी आए। अरे शर्मा जी नमस्ते, कैसे हैं आप? शर्मा जी को कुछ पिलाया कि नहीं? अरे अरे है ना, बहुत बढ़िया। अच्छा आप लोग बातें करिए, मैं बस 2 मिनट में आती हूँ। अरे वो डीलर माना कि नहीं? कंपनी और डीलर दोनों ही नहीं सुन रहे थे, फिर जैसा तुमने कहा था हमने फोरम में जाके कंप्लेन दर्ज करा दी। बिल्कुल ठीक किया आपने कविता जी, अपने हक के लिए लड़ना ही चाहिए,
और आपको मालूम होना चाहिए कि कब, किधर और किसके पास आपके प्रॉब्लम का सलूशन है। अब मुझे भी पता है कि अगर हमें कोई प्रॉब्लम हो तो सलूशन कहाँ है। अरे शर्मा जी अभी मुझे ग्रीवेंस रिड्रेसल प्रोसेस के बारे में समझा रहे थे। मगर भाई साहब के होते हमें टेंशन लेने की क्या जरूरत है? मैं भी इनसे यही कह रहा था, लेकिन इनका कहना है कि एसबीआई लाइफ के हर कस्टमर को ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेकिन शर्मा जी ये सब में टाइम तो बहुत लगता होगा ना? जो भी कंप्लेंट एसबीआई लाइफ में आती है उनको एक सही और सुनिश्चित समय पर ही सॉल्व करते हैं। पर अगर एसबीआई लाइफ के उच्चतम लेवल पर भी ग्रीवेंस सॉल्व नहीं हुआ तो? हाँ कविता जी, उस केस में भी भारत सरकार ने एक संस्था बनाई है जिसको हम लोग इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन कहते हैं, और उसका एड्रेस आपको एसबीआई लाइफ या IRDA के वेबसाइट पर मिल जाएगा। सुन के तो यही लग रहा है कि आप लोग अपने कस्टमर के ग्रीवेंसेस का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। यही तो हमारा जॉब है। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बहुत समय लिया आप लोगों का। और कोई भी काम होगा तो याद कीजिएगा जरूर। नमस्ते जी। नमस्ते शर्मा जी। आइए